हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ। अगर आपको अस्थमा है तो दमा है तो दमा के पेशेंट को ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, बहुत ज़्यादा कफ भर जाता है। तो आज मैं बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा बताने वाली हूँ दमा को ठीक करने के लिए। जिस भी पेशेंट को दमा होता है तो दमा को ठीक होने में टाइम लगता है और मेडिसिंस भी चेंज कर कर के देनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो दमा है, जो पेशेंट को अस्थमा की बीमारी है, वो नई है कि पुरानी है और कितने साल से है, और पेशेंट को दमा के अलावा कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। ये सारे डिटेल्स ली जाती है, उसके बाद पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। तो पेशेंट का इलाज लगातार कई सालों तक चलता है, जिससे लगातार दवाइयाँ लेने से पेशेंट की दमा की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन दवा का लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस भी पेशेंट को दमा की बीमारी रहती है तो ठंड के टाइम उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, खांसी में बहुत ज़्यादा कफ आता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, पेशेंट थोड़ा सा चलता है तो बहुत ज़्यादा हांफने लगता है। जब भी खांसी आती है तो खांसी से एकदम साए साए की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। जैसे पेशेंट ठंडी चीज़ खा लेता है, जैसे अगर आइसक्रीम खा लेगा या फिर कोई खट्टी चीज़ें खा लेगा या ठंडे स्थान पर चला जाएगा, ठंडे प्लेस पर चला जाएगा, तो पेशेंट को दोबारा यही सिम्टम्स रिपीट हो जाएंगे। फिर से पेशेंट को खांसी आने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, थोड़ा सा चलने में हाँपी आने लगेगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, बहुत ज़्यादा लंग्स में कफ भर जाएगा, फेफड़े बहुत ज़्यादा सिकुड़ने से लगेंगे, हर एक एक मिनट में बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, और जब भी खांसी आएगी तो बहुत सारा कफ निकलेगा, साथ में सीटी जैसी आवाज़ आएगी, साई साई की आवाज़ आएगी, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, भूख न लगना, ये सारे सिम्टम्स एक साथ आपको नज़र आने लगेंगे जिस भी पेशेंट को दमा होता है। दमा बच्चों में भी होता है और बुजुर्ग में भी होता है और एडल्ट पेशेंट में भी होता है। अगर आपको दमा हो गया है और दमा को आप ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी है। तो इस मेडिसिन का नाम है अस्थारैक्स सिरप, बहुत ही इफेक्टिव सिरप है। इस सिरप को लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। बुजुर्ग को और यंग पेशेंट को लेना है 20-20 बूंद 3 टाइम मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट लगातार लेना है। पानी गर्म कर लीजिएगा, जब पानी हल्का गुनगुना सा हो जाए तो आधे कप पानी में इस ड्रॉप को 20 ड्रॉप डालिएगा, मिक्स करके पिला दीजिएगा। बच्चों को देना है 10-10 बूंद मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट आधे कप पानी में, वैसे ही पानी हल्का गुनगुना सा 10 बूंद डालिएगा, आधे कप पानी मिक्स करके पिला दीजिएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग इस ड्रॉप को देना है। इस सिरप का बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप न्यू लाइफ कंपनी का है। इस सिरप को लेने से आपको कोई नुकसान बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सिरप एकदम नेचुरल सिरप है। ये सिरप आपको मिल जाएगा होम्योपैथी फार्मेसी में, नहीं तो आप इस ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इस सिरप में जो भी मेडिसिन मिली हुई है सभी नेचुरल मेडिसिन मिली हुई है, और नेचुरल मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इस सिरप को तैयार किया गया है, तो बहुत ही अच्छा सिरप है ये। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।